स्कूल में गए थे आप लोग? मनान। अच्छा, जिस गांव में हम थे अभी मनान है। तो क्या नाम है मेरा, क्या नाम है आप बताओ? क्या नाम बताया मैंने मेरा? जगवंदे सरकार। शाबाश, नाम तो बता दिया। कौन से क्लास के हो आप सारे लोग? ट्वेल्थ में हो। साइंस साइड है ना, क्या है? आर्ट साइड है। साइंस किस किस ने लिया है? साइंस अभी यहाँ कोई नहीं आया, कोई भी नहीं है। अच्छा, सारे आर्ट साइड वाले हो? नहीं, तो आप टेंथ में हो। अच्छा, कहाँ पे जा रहे हो? इधर कौन सा गाँव है ये? पुरोलिया, पडोलिया। अच्छा अच्छा, हंस भी रहे हैं सब लोग। मनान के पास बिल्कुल 200 से 300 मीटर ऊपर की तरफ कभी भी आएंगे तो परोलिया गांव पड़ता है, जिसका दृश्य काफ़ी सुंदर है। और आगे की तरफ एक ब्रिज भी है परोलिया का। और यहाँ के स्कूल के स्टूडेंट यहाँ से सीधा मनान जो गांव में जो इंटर कॉलेज है वहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं। और बताओ तो नीचे की तरफ एक रिवर भी है, और यहाँ से जो गाँव का जो व्यू है ना काफ़ी सुंदर लगता है। कौन सी क्लास में हो आप? अभी कहाँ से आए हो? नहीं, कौन से गाँव से आए हो? मनान। मनान, मनान में पढ़ते हो? हाँ हाँ हाँ। और ये सारे देखिए, ये बच्चे अभी मेरे पास ये थे, और यहाँ से ये ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं बिल्कुल। और इस तरीके से ये लोहे की ब्रिज है परोलिया गांव में जाने के लिए मनान से। और यहाँ से इस तरीके से दिखता है यहाँ का दृश्य। और ऊपर की तरफ काफ़ी सुंदर सुंदर लोगों के घर है, और बादल लगता है एकदम बिल्कुल नीचे के साइड में आ चुका है बिल्कुल। और इस तरीके से परोलिया का यहाँ का जो व्यू दिखता है, और काफ़ी सुंदर है यहाँ का नज़ारा। और एकदम नीचे की तरफ ये रिवर भी है एक। और यहाँ से लोगों के घर दिखाओ तो इस तरीके से जो स्लेटें वगैरह होती है पत्थरों के, उससे लोग अपने मकानों को बनाए हैं, और काफ़ी सुंदर यहाँ का नज़ारा दिखता है यहाँ से। और बताओ तो इस साइड में जो दो तीन मकान दिख रहे हैं काफ़ी सुंदर लगता है बिल्कुल। ब्रिज को क्रॉस करने के बाद इस तरीके का व्यू दिखने को मिलता है, और काफ़ी सुंदर है। और बताओ तो पहाड़ के, क्योंकि स्कूल काफ़ी दूर दूर होते हैं तो इसीलिए काफ़ी समय भी लग जाता है बच्चों को जाने में आने में। बारिश के समय खास तौर से थोड़ा दिक्कत होता है, क्योंकि बारिश एकदम अचानक से पहाड़ों में स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से व्यू है यहाँ का नज़ारा है, और काफ़ी सुंदर लगता है। और बताओ तो यहाँ से मनान की डिस्टेंस की बात करूँ तो लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस में मनान गांव स्टार्ट हो जाता है। वहाँ पे छोटा सा एक मार्केट भी है, और मनान गांव में जो परोलिया के जो भी स्कूल के बच्चे होते हैं तो वहीं पे पढ़ाई करने के लिए जाते हैं। और मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से एक स्टूडेंट अपने घर की तरफ भी जा रहा है, पर झाड़ू वगैरह जो घर में ज़रूरत होता है तो मार्केट से ख़रीद लेते हैं सामान वगैरह, तो लेके जाते हैं क्योंकि बार बार आने में दिक्कत होता है। क्या नाम है आपका? अच्छा, जगदीश आर्या। अच्छा, प्रमोद, कहाँ पर घर है? अच्छा, कौन सी क्लास में? वो भी टेंथ में? अच्छा, ट्वेल्थ में हो? अच्छा, जगबंधु सरकार इंडियन ब्लॉगर। इधर आओ, लिख दे रहा हूँ कॉपी में फिर। और देखिए स्कूल के बच्चे कितना सुंदर लगता है, मेरे को आज वो याद है। मेरे को भी ऐसे ही, हम लोग भी स्कूल में जाते थे, आज याद आ रहा है इनको देख के। सच कहूँ तो पूरा एकदम ये मेरे दिल से ये बात निकल रहा है कभी इस तरीके का। ये जो ग्रीन कलर रेड कलर का ये लगा हुआ है, ये किस लिए है? कौन से टीम में हो? टीम वाइज सिलेक्शन होता है, उसी के लिए लगाते हैं ना। अच्छा, क्या इसमें लिख रहा है? लिख देता हूँ, लिखो जगबंधु सरकार। लिखो, मैं लिख देता हूँ, लो फोन पकड़ो, आप ऐसे करके पकड़ो, यहाँ पर लिखता हूँ। पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये आ रहा है ये लास्ट में, ठीक है। ये मेरे चैनल का नाम है, ठीक है, ठीक अब ध्यान रहेगा ना। क्या बनोगे? व्हाट्सएप एवरीवन, वेलकम टू अनदर माय वीडियोस। एंड आज मैं आ चुका हूँ मनान गांव में बिल्कुल, और मनान गांव का दृश्य कुछ काफ़ी अच्छा लगता है, दूर से काफ़ी सुंदर भी है। और इस वक्त मैं मनान गांव में हूँ, और मनान गांव की यहाँ से मार्केट भी स्टार्ट हो जाता है। एंड पीछे की तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो कोसी रिवर बिल्कुल दिख रहा है, वहाँ पे कुछ लोग फिश कैचिंग मछली भी पकड़ रहे हैं,
एंड इधर की साइड की बात करूँ तो यहाँ पे एक प्राचीन शिव मंदिर है और मैं उस शिव मंदिर में जाने की करूँगा कोशिश, और फिर मार्केट से अंदर जाने के बाद उसके बाद जाऊँगा उस शिव मंदिर में। और इस तरीके से बताऊँ तो यहाँ से मनान गाँव का मार्केट, छोटा सा मार्केट है, वो स्टार्ट हो जाता है। और इधर की बात करूँ तो इधर की बात, ये जो गाड़ियाँ वगैरह आ रहा है सीधा सोमेश्वर की तरफ से आ रहा है, ये सीधा रोड सोमेश्वर की तरफ चला गया है। और इधर की बात करूँ तो ये रोड सीधा यहाँ से अल्मोड़ा भी जा सकते हैं, एंड आगे की तरफ से और भी बहुत सारे रोड कटे हैं, वहाँ से कटारमल मंदिर की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि सूर्य मंदिर अपने आप में काफ़ी पुराना सूर्य मंदिर है। और इस तरीके से है लोगों के घर। और बताओ तो यहाँ से जो व्यू दिखता है ना, काफ़ी सुंदर लगता है बिल्कुल। यहाँ पे एक ये प्राचीन एक पीपल का पेड़ भी है, और इस तरीके से लोग यहाँ पे बताऊँ तो काफ़ी सारे सब्जियों को भी लगा रखा है, एंड इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं ये केले के पेड़ है बिल्कुल। और यहाँ पे बताऊँ तो इस दूर से दिखता है शिव मंदिर, और आगे की तरफ भिंडी के फूल बिल्कुल दिख रहा है, भिंडी भिंडी बिल्कुल लगे पड़े हैं इसमें। और बताऊँ तो आगे की तरफ पानी की जो फ्लो है ना बहुत तेज़ है, क्योंकि ऊपर की तरफ बारिश हुआ है तो पानी की फ्लो बहुत तेज़ हो चुका है इस वक्त। और ये सारे खेत है यहाँ पे, ये इधर की तरफ चारा वगैरह वो रखा है, एंड इधर की तरफ ये देख सकते हैं ये सारे सब्जियों के प्लांट्स हैं। और बताओ तो बिल्कुल इस तरीके से किसानों के खेत यहाँ पे है, और काफ़ी सारे अरवी के भी लगा रखा है नीचे के साइड में, और खेती अच्छा होता है, और मिट्टी भी काफ़ी बढ़िया दिख रहा है क्योंकि इसमें गोबर की खाद वगैरह मिक्स करते हैं, तो उस खेत भी काफ़ी उपजाऊ हो जाता है। और मैं इस समय रोड के साइड से ही ये फ़ोटो क्लिक कर पा रहा हूँ। और आगे की तरफ की बात करूँ तो बहुत सारे और भी अलग अलग सब्जियों की खेती भी हो रहा है, एंड और आगे की तरफ की बात करूँ तो मक्का वगैरह लगा रखा है। मनान गांव में कभी भी आते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल एकदम, क्योंकि ये गांव का क्षेत्र है और रूरल एरिया है बिल्कुल, और इस तरीके से रोड के इस पार भी बहुत सारे अलग अलग सब्जियों को लगा रखा है, और यहाँ पे एक कैफ़े भी है, और इस तरीके से लोगों के मकान है जो कि काफ़ी सुंदर दिखता है अपने आप में। पर ये जो प्लांट है, ये जो पेड़ है बड़ा सा, इसके बारे में मेरे को नहीं पता है, और दिखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। इसकी बिल्कुल पत्तियाँ एकदम टहनियाँ काफ़ी लंबे लंबे पेड़ जैसे एकदम नीचे की तरफ आ चुके हैं। और यहाँ से बताऊँ तो यहाँ से ऊपर की तरफ एक गांव पड़ता है, परोला कहते हैं, और उस गांव में के लोग भी यहाँ पे मार्केट करने के लिए आते हैं। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो आगे की तरफ और भी बहुत सारे दुकानें हैं, एंड ये रोड सीधा आगे की तरफ चला जाता है अल्मोड़ा, और यहाँ पे शिव का मंदिर है, और ये शिव मंदिर का मुख्य द्वार है, और यहाँ से हम प्रवेश करेंगे और जाएंगे हम मंदिर की तरफ, क्योंकि मैं जब भी यहाँ से कभी भी जाता हूँ तो ये मंदिर दूर से दिखता है, और जो कि अपने आप में काफ़ी सुंदर लगता है मेरे को। और जो शिव जी की जो पहाड़ को भी इसमें बनाया गया है पीछे की तरफ मूर्ति के, जो कि अपने आप में काफ़ी सुंदर लगता है। और इस तरीके से ये मेन द्वार है, और इस द्वार से जाएंगे हम मंदिर की तरफ, और यहाँ से जाते हैं नीचे सीढ़ियाँ वगैरह बना हुआ है, और यहाँ से एंटर करते हैं, उसके बाद जाएंगे मंदिर की तरफ। और नीचे की तरफ जाने के लिए इस तरीके से सीढ़ियाँ वगैरह बना हुआ है, और ये एक रिवर भी आया है। इस रिवर की पानी की बात करूँ तो ये कोसी रिवर में जाके मिल जाता है, और आगे की तरफ कोसी रिवर है जो कि काफ़ी बड़ा रिवर है। और किसानों के खेत देखिए, और देखने लायक है, सच में मज़ा आ गया। कभी भी आते हैं और मनान में मार्केट इस टाइप से चालू होता है लाइन से, और ये रोड सीधा सोमेश्वर की तरफ जाता है। और कभी भी आते हैं ना तो आपको यहाँ पे चाह गुटुक लिखा हुआ है, जो कि एक चाय की दुकान भी है, एंड एक कैफ़े है मनान में, और कैफ़े मनान के नाम से इन्होंने बनाया है। पर यहाँ की जो बताऊँ तो जो आकृति है, जो पेंटिंग करा है, तो मैं पेंटिंग को देख के अचानक रुक गया। और इस तरीके से ग्रीन नेट वगैरह लगा हुआ है, एंड कैफ़े मनान के नाम से इसको रखा गया है, एंड ये पहाड़ी लैंग्वेज में लिखा हुआ है चाह गुटुक चाह। और काफ़ी सुंदर यहाँ पे काफ़ी सारे पेंटिंग आकृति को भी दिया गया है इसमें, और सुंदर लग रहा है बिल्कुल। और इसी को देख के मैं एकदम अचानक से रुका हूँ यहाँ पे, और काफ़ी सुंदर है क्योंकि यहाँ पे मंदिर के बिल्कुल मंदिर जब भी जाएंगे, जो महादेव का भोलेनाथ का मंदिर है मनान में, तो उस मंदिर में जाने से पहले इस तरीके का एक यहाँ पे कैफ़े भी है मनान कैफ़े के नाम से। और इस तरीके से फिर मैं मंदिर की तरफ जा रहा हूँ, यहाँ से इस तरीके से मुख्य द्वार में खड़ा हूँ, और यहाँ से सीधा अंदर की तरफ जाते हैं। और मैं बिल्कुल अब मैं जा रहा हूँ नीचे की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ जाने के लिए सीढ़ियाँ वगैरह बना हुआ है बिल्कुल,
और इस तरीके से काफ़ी, अभी तो गेट शायद बंद है, यहाँ से देखना पड़ेगा। हाँ, गेट इसके लॉक लगे हैं और इस लॉक को खुल के ही फिर आगे की तरफ जाते हैं, पर मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से। इस तरीके से काफ़ी कुछ प्लांट्स भी लगे पड़े हैं और इधर की तरफ ये रिवर है और देखिए लोगों के घर किस तरीके से बनता है यहाँ पे, और इस तरीके से कुछ प्लांट्स भी लगे हुए हैं यहाँ पे। गेट लगा हुआ है बिल्कुल, और इसको इस तरीके से खोलने के बाद फिर बंद करके आना पड़ता है ना, ठीक है। एंड इस तरीके से देखिए रिवर बिल्कुल पानी, और ये मक्के की खेत है, मक्का भी इधर लगा हुआ है जगह जगह में, और इस तरीके से रोड बना हुआ है बिल्कुल मंदिर तक जाने के लिए। और बरसात का मौसम है तो काफ़ी थोड़ा सा लगता है, अकेले अकेले अगर कहीं पे आप जाते हैं तो थोड़ा सा डर जाता है आदमी, क्योंकि बरसात के मौसम में काफ़ी ध्यानपूर्वक चलना चाहिए चाहे कोई सा भी जगह क्यों ना हो। और बिल्कुल अब हम काफ़ी मंदिर के करीब पहुँच चुके हैं, इस वक्त मैं बात करूँ तो काफ़ी करीब, और बहुत करीब आ चुका हूँ मैं इस समय। और इस तरीके से रिवर का पानी है और इस तरीके से खेती वगैरह करते हैं, और बिल्कुल भोलेनाथ के करीब हम आ चुके हैं एकदम, और मंदिर के परिसर में मैं बिल्कुल पहुंच चुका हूं, और काफ़ी स्पीडली मैं चल रहा हूं यहां पर। और इस तरीके से देख सकते हैं फसलें वगैरह लगा रखा है मनान गांव का, वाओ वंडरफुल, एकदम सुंदर एकदम। और इस तरीके से घंटी भी लगा रखा है यहाँ पे मंदिर में प्रवेश करने से पहले, और गेंदे के फूल देखिए कितने सारे लिखे हैं। और इस तरीके से मनान का दृश्य, अब तो बिल्कुल एनर्जी सा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी मिल रहा है। और इसे बिल्डिंग के उस पार की बात करूँ तो ऊपर की तरफ रोड है, और ये जो रिवर है ये रिवर जाके सीधा ये कोसी रिवर में जाके मिल जाता है। और इस तरीके से घंटी भी बना हुआ है, काफ़ी सुंदर है। और यहाँ पर आके मेरे को काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे, और यहाँ पे इस तरीके से भोलेनाथ की मूर्ति, जो कि मनान में कभी भी आते हैं या मनान से सोमेश्वर की तरफ जाते हैं, अल्मोड़ा से आते हुए, कोशी से आते हुए मनान से सोमेश्वर की तरफ जाते हैं, तो इस तरीके से भोलेनाथ का जो मूर्ति है, भोलेनाथ की जो दर्शन करके आप जा सकते हैं। रोड के ऊपर से भी बिल्कुल एकदम सुंदर दिखता है और काफ़ी अच्छा लगता है। यहाँ पर आने के बाद मनान में आते हैं बड़े दूर दूर से श्रद्धालु लोग, और यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ तो इस तरीके से देख सकते हैं ये रिवर जो आया है बिल्कुल आगे कोसी रिवर के साथ मिल जाता है। और इस तरीके से कहूँ तो मैं, मेरे पास अभी इतना अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। एंड इस तरीके से भोलेनाथ की ये दूर से एकदम दूर से दिखता है एकदम, और इतना अच्छा लगता है ना सच में, जो इतना अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। और इस तरीके से मैं मंदिर परिसर में बिल्कुल पहुंच चुका हूं, मनान मंदिर परिसर में। और यहाँ पे इस तरीके से मंदिर के अंदर जो यहाँ के सेवा करते हैं मंदिर में, यहाँ पे रहते हैं, आश्रम भी बना हुआ है साधु संतों के लिए, एंड यहाँ के जो पुजारी हैं तो उनका आश्रम भी बना हुआ है। इस तरीके से मनान में आते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है आने के बाद, और दूर से एकदम भोलेनाथ का दर्शन हो जाता है और दूर से दिखता है इस तरीके से, और काफ़ी अच्छा लगता है आने के बाद। और काफ़ी क्योंकि बताऊँ तो घंटियाँ वगैरह भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि बिजली से चलता है, जब पूजा अर्चना का समय होता है तो उस समय बजाया जाता है। और कहा जाता है, यहाँ के लोगों से मैंने पता किया है तो कहते हैं कि ये मंदिर काफ़ी प्राचीन मंदिर है और काफ़ी पुराने समय से ये मंदिर है। और इस तरीके से किसानों के खेत एकदम लहराते तो हुए हरे भरे फसल, और बीच में साइड से रिवर के किनारे से रोड आया हुआ है एकदम ऊपर की तरफ से, ये जो मेन गेट सा दिख रहा है यहाँ से आया हुआ है और सीधा आके मनान का जो महादेव का जो मंदिर है वहाँ पे आप आ सकते हैं। और यहाँ पे आते हैं बड़े दूर दूर से श्रद्धालु लोग जो भी इस क्षेत्र में आते हैं। और मैं बात करूँ तो अगर इस समय की, तो मैं मंदिर परिसर के अंदर बिल्कुल आ चुका हूँ। इस तरीके से प्राचीन एक पीपल का पेड़ भी है यहाँ पर, और उसके साइड की बात करूँ तो यहाँ पे शनि देवता की भी मूर्ति है। और अंदर की तरफ की बात करूँ तो पूजा अर्चना के समय ही गेट को ओपन किया जाता है, सुबह शाम जब भी पूजा अर्चना का समय होता है। और इस तरीके से बताऊँ ना तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक घंटियाँ जो ढोल जो पूजा अर्चना के समय बजाया जाता है, तो बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक है एकदम। और काफ़ी इस तरीके से देख सकते हैं इसमें, फिर जब मोटर ऑन हो जाता है तो इस तरीके से बजता है। और आजकल मैं बात करूँ तो बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े स्कूलों में भी इस टाइप से इलेक्ट्रॉनिक जाके बेल वगैरह जो बजाने के लिए लाते हैं, घंटी वगैरह,
तो इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तो यहाँ पे जैसे बजाने के लिए जब पूजा अर्चना का समय होता है तो ढोल वगैरह बजाने के लिए भी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति को भी अपनाया जाता है। और इस तरीके से शेड भी लगा हुआ है, काफ़ी सुंदर सा एक आश्रम सा बना हुआ है जिसमें यहाँ के पूजा अर्चना जो करते हैं, यहाँ के पंडित लोग पुजारी लोग तो यहाँ पे रहते हैं और इस मंदिर का में सेवा करते हैं। तो इस तरीके से कभी भी मनान गांव में आते हैं या मनान के तरफ से जाते हैं, छोटा सा मार्केट भी ऊपर की तरफ, और आप वहीं से शिव जी का सुंदर सा आपको वहां से दर्शन हो जाएगा भगवान शिव का। और मनान शिव मंदिर की बात करूँ तो काफ़ी सुंदर लगता है यहाँ पे आने के बाद। और ये विकासखंड की बात करूँ तो ताकुला के अकॉर्डिंग आता है, और मैं अगर बात करूँ तो सोमेश्वर तहसील में आता है ये मनान जो एरिया है, और काफ़ी सुंदर यहाँ के खेत वेत हरियाली एकदम दिखते हैं। यहाँ पर मंदिर है, ये मंदिर के बारे में बताइए तो ये मंदिर कितना पुराना है? ये मंदिर का ये हमको इतना अनुभव नहीं, ये तो बहुत सालों का है। अच्छा, बहुत प्राचीन मंदिर है ये भी, घाट हुआ नीचे हमारे नौ गाँव का। अच्छा 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 अच्छा, और ये शिव जी की जो ये मूर्ति लगा है ये कितना साल हो गया? मूर्ति को लगाया 2-3 साल हो गया। अच्छा, 2-3, बहुत सुंदर बनाया जिन्होंने भी बनवाया है इसको, तो काफी सुंदर बनवाया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बत्तियों में। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, आप लगे पड़े हैं बत्तियों में। सुबह शाम कितने बजे टाइमिंग होता है ये खोलने का, पूजा पाठ करने? दिन भर खुला रहता है। अच्छा अच्छा, अच्छा सुबह शाम पूजा होती है, दिन में भोग लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा, दिन में दाल भात का भोग लगाते हैं। किसका लगाते हैं भोग? दाल भात चावल और भात। अच्छा अच्छा, उसी का भोग लगता है। और इस तरीके से मैं बताऊँ तो बिल्कुल हम कोसी रिवर के एकदम करीब जा रहे हैं, और इस तरीके से यहाँ पे बताऊँ ना तो यहाँ पे गेट सा लगा के रखे हैं, और एक कबूतर देखने को मिला मुझे तुरंत आके ही, और बिल्कुल पानी के करीब इस तरीके से कबूतर देखना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। और इस तरीके से देखिए एक कबूतर बैठा हुआ है बिल्कुल एकदम अकेला, यहाँ पे इंतज़ार कर रहा है शायद किसी का। और इस तरीके से कोसी रिवर के ब्रीज का देखिए, इस समय कोसी रिवर के पानी का बहाव कितना तेज़ है, बहुत तेज़ बहाव है इस वक्त। और ये कबूतर देख के मैं एकदम अचंभित हो गया अचानक से, कि कबूतर बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाओं में बिल्कुल बैठा हुआ है। और इस तरीके से ये जो रिवर साइड से आ रहा था, ये रिवर जाके इसी में मिल गया है। और कोसी रिवर का ये काफ़ी सुंदर उस तरफ और इस तरफ, और रिवर के साइड में ही मंदिर है, और काफ़ी सारे फूल के पौधे भी लगे हुए हैं, और बहुत सारे फूल है इसमें। और ये एक प्लांट्स है, इसका नाम मेरे को भी नहीं पता है। और इस तरीके से देखिए बहुत सारे पक्षियाँ देखने को मिल रहा है यहाँ पर अचानक से। एक पक्षी तो पत्थर के ऊपर बैठे हुए हैं, लोगों ये अभी अभी उड़ के गया है आगे की तरफ, बहुत सारे पक्षियाँ हैं। और इस तरीके से कोसी रिवर है जो कि आगे की तरफ चला गया है। और यहाँ पर बताऊँ तो इस तरीके से सारे देवी देवताओं के मूर्ति भी है, नंदी महाराज की मूर्ति भी लगा हुआ है, और इस तरीके से काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे आसन भी बना के रखा है, जब भी कोई पूजा पाठ होता है तो इस तरीके से आसन भी बना हुआ है यहाँ पे। और इस तरीके से मंदिर है, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे आज इस मंदिर परिसर में आके। और मनान गांव में कभी भी आते हैं तो इस मंदिर का दर्शन तो एक बार ज़रूर करके जाना, काफ़ी सुंदर काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर आने के बाद। बताओ तो इस तरीके से देखिए मंदिर के साथ ये जो बड़े बड़े फूल के पौधे हैं ना, इसके बारे में मेरे को इसका नाम नहीं पता है, पर ये फूल काफ़ी सुंदर लगता है। और इस तरीके से बाटी कैसा बना रखा है, बिल्कुल फूल के पौधे बहुत सारे, एक दो नहीं काफ़ी सारे, और इस तरफ भी लगा हुआ है। और इस तरीके से भोलेनाथ का दर्शन हो पाया है आज मेरे को, और काफ़ी सुंदर लगता है कभी भी आते हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर लगता है। और यहाँ से देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है सच में, बहुत बहुत सुंदर लगता है। और दूर से एकदम वाइट कलर है, तो दूर से एकदम जो भी जाते हैं और यहाँ पे मंदिर का दर्शन करने ज़रूर आते हैं, और काफ़ी सुंदर लगता है भोलेनाथ का ये दृश्य। या काफ़ी दूर से मैं देख के काफ़ी समय से मैं सोच रहा हूँ कि कभी आऊँगा एकदम पास में, और मुझे आने का आज मौका मिला और मैं आ पाया। और इस तरीके से पीछे की तरफ कोसी रिवर सीधा आगे की तरफ चला गया है अल्मोड़ा की तरफ, और कोसी रिवर के साइड में ही इस मंदिर का बहुत प्राचीन समय से, और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और इस तरीके से मैंने मंदिर का दर्शन भी कर लिया है। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।